आप लोग सुने होंगे देवताओं रहने का जगह कहाँ रहता है? देवताओं मंदिर के अंदर, कहाँ? उसी जगह का नाम क्या है? देवलोक। कहाँ रहता है देवताओं? देवलोक में रहते हैं। छह देवलोक है, कितना देवलोक है? छह देवलोक है। उसी छह देवलोक में ही देवताओं रहते हैं। हम लोगों के लिए सबसे नजदीक देवलोक है चातु महाराजिक। क्या नाम है? चातु महाराजिक देवलोक। इसके बाद थे ताव तिंस देवलोक। ताव तिंस क्या है? ताव तिंस। इसके बाद याम देवलोक। कौन सा देवलोक? याम। इसके बाद तुषित देवलोक। कौन सा देवलोक? इसके बाद निम्मान रति देवलोक। क्या? निम्मान रति। इसके बाद परनिम्मित वसवाति देवलोक। परनिम्मित वसवाति क्या नाम है? परनिम्मित वसवाति, वो उधर से खत्म। इसके बाद है ब्रह्मलोक। ब्रह्म लोक है 15। कितना है? 15। 15 ब्रह्म लोक है। देवलोक 6, मिलके 21। 21 ब्रह्म तथा देवलोक रहने का वर्ल्ड लोक कितना है? 21। उसमें से 15 जगह पे रहता है कौन? ब्रह्मलोक। ब्रह्म मतलब धरती पर रहते समय बहुत ध्यान करके, मैत्री ध्यान करके, ब्रह्मचारी पालन करके मरने के बाद उन लोग वहां जन्म लेते हैं। और लोग होता है बहुत पुण्य करके, बहुत बहुत पुण्य करके, सेवा करके, दूसरों को मदद करके, दूसरों को ज्ञान बता के, उन लोग भी ध्यान करते, लेकिन ब्रह्म लोग जैसा नहीं, उन लोग भी ध्यान करके। इसके बाद उन लोग जाता है छह देवलोक में। कहां पे जाता है? छह देवलोक में। और लोग हैं, उन लोग भी पुण्य करते हैं, उन लोग भी बहुत पुण्य करके, लेकिन देवता उन जैसा पुण्य नहीं करते हैं, उससे कम पुण्य करके धरती पे जन्म लेता है। उन लोग का नाम क्या है? मनुष्य, मानव। आप लोग ये तीन जगह सिर्फ पुण्यवान लोगों को जन्म लेने का जगह है, बाकी जगह पुण्यवान लोगों के लिए नहीं। बाकी जगह कहाँ है? नरक, पाप करने वाले लोगों के लिए जगह। और एक जन्म है जानवर जन्म, कीड़ा मकोड़ा, मक्खी, चिड़िया, जानवर, पशु, ये सब जगह पे जन्म लेता है पाप करने वाले लोग। और एक जगह है भूत प्रेतों के पास। भूत प्रेतों के पास जन्म लेके क्या खाते पीते हैं? तूप, काकार, पेकाना, खून। जो मरे हुए सर, कोई जानवर मरने के बाद सड़ जाता है ना, वही चूसके जीवन बिताते हैं। कौन? भूत प्रेत लोग। उसी जगह में भी पुण्य करके जाना पड़ता है ना, है? ध्यान करके जाना पड़ेगा। पाप करने वाले लोग जाता है। अभी बताइए, वर्तमान बहुत सारे लोग मरने के बाद ऊपर जाएगा या नीचे? ब्रह्मलोक में जाएगा ना, देवताओं के पास जाएगा। नरक वहां नहीं है, नरक यहाँ है, नीचे है। वहां नरक रहेगा? वहां नरक रहेगा तो हम लोग जल जाएगा उसी नरक का गर्मी से। तो आप भी बताइए, बहुत सारे लोग मरने के बाद वहां जाएगा यहाँ जाएगा? नीचे है ना, ऐसे तो बोलना चाहिए हमारा दादा, दादा क्या हो गया? दादा चला गया है। लोग कैसे कहते हैं दादा? वैसे चला गया, ऐसे बोलता है, झूठ है। क्यों? क्योंकि अगर ऊपर जाना चाहिए तो बहुत पुण्य करना पड़ेगा।
नामुमकिन है जाना, थोड़ा भी पाप नहीं करना चाहिए। जो मारे हुए लोग झूठ नहीं बोलते थे क्या? झूठ बोलते थे, कभी कभी हत्या भी किए, गाली कितना दिए होंगे, दान कभी दिया नहीं होगा। ऐसे रह के कभी ध्यान किए हैं कि कभी ध्यान किया ही नहीं होगा, ऐसे रह के कैसे जा सकता है? इसीलिए देखिए एक महान पुरुष है, उनके बारे में आप लोग सुनिए, आप लोग उनके बारे में जानते हैं। उनका नाम है इंद्र। क्या नाम है? जानते कौन कौन जानते इंद्र के बारे में? सुने हैं ना? कौन है वो? देवलोक में रहता है। हम बताए ना कितना देवलोक है? छह। उसमें सबसे हम लोगों का नजदीक में दो देवलोक है, पहला है चातुम महाराज का, दूसरा तावतीन से। क्या 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 नाम है? चातुम महाराज का, तावतीन से। फिर बताइए, चातुम महाराज का क्या, इसके बाद तावतीन से। ये दोनों देवलोक का मुखिया वो है, कौन? इंद्र। एक दिन एक देवता भगवान बुद्ध के पास आया, आकर के वो देवता नहीं, देवता नहीं, लिच्छवी लोग, लिच्छवी लोग कहाँ रहते थे? वैशाली में। कहाँ रहते थे? वैशाली में लिच्छवी लोग रहते थे, लिच्छवी राजकुमार लोग। राजकुमार लोग भगवान बुद्ध के पास आके पूछ रहे थे देवताओं के बारे में, इंद्र जी के बारे में। भगवान बुद्ध जी, इंद्र जी का नाम हर जगह फैला हुआ है, क्या आप उन इंद्र जी के बारे में बोल सकते हैं? इसके बाद भगवान बुद्ध ने बताया, आप लोग तो सुनिए, हम इंद्र जी के बारे में बता देंगे। इंद्र जी का नाम है मघवा कहते हैं। क्या नाम है? मघवा। मघवा मतलब इंद्र जी का पिछले जन्म में वो मनुष्य लोक में था, उसी समय उनका नाम माघ, इसीलिए उनको मघवा भी कहते हैं। और एक नाम है इंद्र जी को, पुरिंदद। क्या नाम है? पुरिंदद। पुरिंदद मतलब कभी भी पाप नहीं किया, आदर्श बन गया, दूसरे लोगों को देखने के लिए या चुप से भी पाप नहीं किया, इसीलिए उनको पुरिंदद कहते हैं। इसके बाद इंद्र जी को कहते हैं शक। क्या नाम है? शक मतलब अच्छा से दूसरों को दान दिया, वो उतना अमीर नहीं था, फिर भी अच्छा अच्छा चीज दूसरों को दे दिया। कभी किसी के पास चप्पल नहीं तो चप्पल दे दिया, घर नहीं तो घर बना के दिया, पढ़ाई करने के लिए मदद किया, खाने के लिए दिया, पहनने के लिए दिया, घर बना के दिया, इसलिए उनको कहते हैं शक। और एक नाम है वासव। वासव मतलब गरीब लोगों के लिए निवास बना दिया पिछले जन्म में, कौन? इंद्र जी, इसलिए उनको वासव कहते हैं। और एक नाम है इंद्र जी का सहसक। सहसक क्या नाम है? सहसक मतलब हजार आंखें हैं। हजार आंखें मतलब एक ही बार हजार की हजार चीज के बारे में सोच सकता है। हम लोग सिर्फ एक चीज के बारे में सोचते हैं ना, अगर हम लोग घर के बारे में सोचेंगे सिर्फ घर के बारे में, घर के बारे में सोचते सोचते उसी समय दूसरा किसी के बारे में सोच सकता है क्या? फिर वो हटा के सोचना पड़ेगा ना। इंद्र जी को एक ही बार हजार चीज के बारे में सोच सकता है, इसलिए उनको सहसक कहते हैं। और इंद्र जी का नाम है सुजमपति। क्या नाम है? सुजमपति मतलब उनका पत्नी असुर कन्या है।
असुर नेताजी का बेटी है। उसी असुर बेटी का नाम है सुजा। सुजा का पति सुजामपति, इसीलिए इंद्र जी को सुजामपति कहते हैं। इंद्र जी का पत्नी का नाम क्या था देवी का? सुजा। सुजा का पति इसलिए सुजामपति। तो भगवान बुद्ध ने बताया पिछले जन्म में इंद्र माघ नाम से रहा। कौन सी नाम से? अगर हम ये इंद्र जी के बारे में बोल के आप लोगों को से कुछ प्रश्न पूछेंगे तो एक एक बच्चा खड़ा करके जवाब दे सकता है? कौन कौन दे सकता है? ध्यान से सुनेगा तब ना। पता नहीं कौन सी दुनिया में रहता है। बोधगया में है ना आप लोग? हाँ, अभी बोधगया में नहीं, अभी बुद्ध आश्रम में है, संडे स्कूल में है। ध्यान से सुनिए, सभी लोग ध्यान से सुनिए। नहीं सुनने से आप लोगों को घाटा आने का मतलब क्या है? क्या नाम था पिछले जन्म इंद्र जी का? माघ। उस समय क्या हो गया? कौन है ये माघ? एक लड़का था। ये लड़का को मन किया हम भी दूसरों को मदद करेंगे। ये लड़का ने क्या किया, एक दिन रास्ता पे जाते समय देखा गरीब एक आदमी का आदमी रहता है। मैं एक माता जी अपना बेटा के साथ घर घर पे, पूरा बारिश आ गया। इसी प्रकार बारिश आने लगा, पूरा घर भींग जाता है क्योंकि निवारी बिछा हुआ है, निवारी भी भींग गया, सब घर उन लोग भींगते, अंदर रहता है। ये माग लड़का को दया आ गया, नहीं हम मदद करेंगे इनको। ऐसे करके अकेले अच्छा अच्छा नया नया निवारी ला करके पूरा घर बना दिया। लगभग एक सप्ताह गया, अच्छा से घर बना दिया। बहुत खुश हो गया माँ और बेटा। माँ आशीर्वाद की है, बेटा तुमको बहुत धन्य हो, तुम सुखी रहो। इसके बाद पुण्य करने वाले लोग दुख होता या खुश होता है? माघ किए हुए पुण्य के बारे में सोच के बहुत खुश हुआ। माघ ने सोचा और हम कुछ करेंगे। रास्ता पे जाते समय देख लिया रास्ता, एक जगह पे गाड़ी जाता है, रथ जाता है, घोड़ा का रथ उस समय था, रथ जाता है। हमेशा रथ के लोगों को परेशान, क्यों? गड्ढा है हर जगह पे, गड्ढा। इंद्र ने अकेले मेहनत करके उसी गड्ढा को बना दिया। अभी इंद्र अमीर है क्या? अमीर भी नहीं, लेकिन उसका मन अमीर है, बुद्धिमान है ना। इसके बाद और एक दिन जाते समय देख लिया गरीब लोग रहते थे, उन लोग कपड़ा नहीं है। इंद्र खुद गरीब है, वो मेहनत करके अपना पास चुक्का है ना, क्या उसको कहता है, पैसा जमा करता है, चुट्टा है ना, चुक्का, उसके अंदर उसको तोड़ के उसका पैसा निकाल के उसी पैसा खर्च करके उन लोगों को कपड़ा दे दिया। अब इंद्र क्या करता है, ये दूसरों को मदद करता है। कोई कोई इंद्र का दोस्त था, इंद्र को बताया अरे पागल ले रे तुझको, तेरे को पाग दिमाग खराब हो गया क्या, तुम्हारा पास पैसा था वो भी भिखारियों को दे दिया, पागल है, तुमको आराम से नौकरी कर सकता था जाके, तुम जाके किसी का घर बना दिया, अपने लिए जो घर में चावल था सब दूसरों को दे दिया करके उसका दोस्त उसको डांटने लगा। इंद्र बताया नहीं, मैंने जो कुछ किया सही किया है, क्योंकि मैंने जो कुछ किया उसके कारण मुझे आनंद है, खुशी है। इंद्र ने माघ ने बताया और हम करेंगे और करेंगे। इसके बाद धीरे धीरे इंद्र का दोस्त लोग क्या किया, इंद्र को इंद्र इंद्र से जन्म का माघ माघ को मदद किया, हम भी तुमको मदद करेंगे, हम भी तुमको सहायता करेंगे। एक मिस्त्री जी आया, मिस्त्री जी आके बताया मेरे दोस्त माघ तुम तो बहुत सेवा करता है दूसरों को, क्या हमें भी जगह है? माघ बताया क्यों नहीं, आओ मेरे दोस्त तुम भी हमें मदद करो।
इसके बाद वो मिस्त्री जी फ्री यानी कि निःशुल्क बिना पैसा लेकर के इंद्र को मदद करता है दूसरों का कल्याण के लिए। और दोस्त लोग मिल गया, लगभग 10 लड़का लोग इकट्ठा हो गया। कितना लड़का लोग? आजकल 50 लड़का अभी मिल गया तो क्या होता है पता है? एक आ जाएगा, हम लोग सेवा करेंगे। इसके बाद दूसरा बात है, हाँ हम लोग भी सेवा करेंगे। सेवा करने का मन से आजकल लोग कुछ काम शुरू कर देगा। इसके बाद कोई लोग पैसा देगा, हाँ आप लोग अच्छा काम करते हैं, हम लोग भी मदद करेंगे। इसके बाद लोभ आ जाता है। लोभ आने के बाद दिखाता है, हम लोग स्कूल चलाते हैं, हम लोग ये काम करता है, तुम लोग पैसा दो। ऐसे करके पैसा लूटता है दूसरों से। आजकल ऐसे होता है कि नहीं? बहुत जगह पे देखिए, उसी समय में लोग 10 बच्चा मिल के किया है। आजकल 10 बच्चा कर सकता है क्या? 10 लड़का को सोच भी नहीं सकता है। इसके बाद इन लोग क्या किया, जगह जगह पे पेड़ रोपने लगा। क्यों पेड़ रोपता है? ऑक्सीजन, हवा और स्वास्थ्य एवं पर्यावरण का परिशुद्धता के लिए पेड़ पौधा जगह जगह पे रोपने लगा। आजकल लोग पेड़ पौधा रोपता है या काटता है? काटता है। अगर इधर आश्रम अगर आज नहीं है तो ये नीचे नीचे सारे डांगी आज तक क्या हो जाएगा? छन हो जाएगा। आप लोग देखिए बाकी आम का पेड़ों में इतना नीचे आम का डांगी है क्या? खत्म। कोई प्यार नहीं करता पेड़ पौधा को। जो पेड़ पौधा वो भी लूट के जा रहा है चूल्हा खाना बनाने के लिए, है ना? इसके बाद उन लोग देख रहे थे एक नदी है, उसी नदी में पुल नहीं है। इन लोगों ने बहुत मेहनत करके एक पुल बना दिया। इसके बाद इन लोग सोच रहे थे ठीक है हम लोग और क्या करेंगे। इसके बाद बताया हम लोग दूसरे लोगों को घर बना के देंगे। मिस्त्री भी हैं, लेवर भी हैं, आइडिया बताने वाले माग भी हैं। इन लोग मेहनत करके दूसरे लोगों को घर बना के दे दिया। घर बना के देने के बाद क्या आप लोग जानते, उन लोग खुद दिन रात मेहनत किया। उन लोग को सैलरी मिलता था महीना में, सरकार दे दिया था, कुछ नहीं। आजकल सरकार से थोड़ा पैसा कम मिलने लग गया तो तुरंत स्ट्राइक करता है ना लोग। हाँ, टीचर लोग भी स्ट्राइक करता है ना। हम लोग पढ़ाएंगे नहीं बच्चे लोग को, हम लोग को पैसा नहीं मिला या कम मिला ऐसा करके। इन माघ दूसरे बच्चा लोगों को बुला के पढ़ाया, फ्री दिल से पढ़ाया, सब कुछ पढ़ाया। इसके बाद उन लोग बातचीत कर रहे थे और हम लोग क्या करेंगे। एक दोस्त बताया, माघ मेरे दोस्त ये रास्ता पे बहुत सारे लोग दूर से आता है, थक के आता है, लेकिन इसी रास्ता पे किसी को पानी पीने का जगह नहीं है, क्या बना दिया? चापाकल नहीं था उस समय, एक कुआं बना दिया। कुआं बना के बाल्टी रख दिया, उस समय जो कोई आता है कुआं से पानी लेकर के पी के मुंह धो के आराम से जाता है खुशी मन से। फिर क्या किया, अभी हम लोग क्या करेंगे, जगह जगह पे उन लोग मेहनत करके कुआं बना दिया। जगह जगह इधर इधर एक कुआं, उधर एक कुआं, उधर एक कुआं, ऐसा जिस जगह पे जरूरत है वहां पे। इसके बाद इन लोग बातचीत कर रहे थे और हम लोग क्या करेंगे। फिर उन लोग को मन में आ गया इसी जगह से लोग आता है, आराम करने का जगह नहीं है, इसलिए हम लोग एक धर्मशाला बना देंगे। ऐसा करके उन लोग हर एक मोड़ मोड़ पर सुंदर धर्मशाला बना दिया, सुंदर धर्मशाला बना दिया। सभी लोग आराम करता है, बिना थक के जाते समय कुआं है, आराम से पानी पी के मुंह धो के चल जाता है, पुण्य देता है। अभी इन लोग और खुश हो गया, कौन ये 10 लड़का। इसके बाद अभी इन लोग इतना काम करने के कारण हर जगह इन लोग का नाम ही नाम हो गया, हर जगह इन लोग फैल गया। बहुत सारे लोग इन लोग को अच्छा बोलने लगा,
इन लोग को देखने में हा भगवान आ रहा है, भगवान आ रहा है, ऐसे लोग बोल रहे थे, क्योंकि ये 10 लोग मिल करके दूसरे लोगों का आंखों का आंसू पोंछने लगा। इसका मतलब क्या है? दूसरों का दुख हटाने लगा। ऐसा बहुत प्रयास करके इन लोग काम करते समय पूरे भारत में इन लोग फैल गया। फैलने के बाद कौन तो चुगली किया राजा के पास जाके, क्या चुगली किया है? महाराज गुंडा दास गुंडा है, बहुत डेंजरस है। उन लोग का प्लान है महाराज, उन लोग जवान है, यौवन है, जवान 10 लड़का है, उसका मुखिया है माघ महाराज। ये क्या कह रहे हैं? इधर आओ तुम, मेथी का एक खाना ले जल्दी। ये जाकर के चुगली किया राजा के पास, क्या बोल दिया है? महाराज खतरनाक 10 गुंडा है, उन लोग आपका राज्य को कब्जा करने के लिए तैयार। अभी महाराज सुनिए, हर जगह के लोग उनके पास उनका पक्ष में है, सभी लोग उसका पसंद करता है, क्योंकि वो घूस दे के लड़ाई करके तलवार से दूसरों का मन जीत लिया। महाराज आपका शासन खत्म। महाराज क्या क्या किया? विश्वास किया, विश्वास किया। चुगली करने पर कोई विश्वास नहीं करता है क्या? महाराज डर गया, जल्दी मेरा सारे सेना को भेज दो। 500 सेना को भेज दिया, 500 भेज के 10 आदमी को पकड़ लिया। उन लोग उसी समय भी एक रास्ता बना रहा था, 500 लोग जाकर उसको 10 लोग को पकड़ के लाया, ला करके बहन दिया, बताया, उन लोग को बोलने का कोई जगह नहीं दिया। महाराजा बताया, तुम लोग मेरा राज्य पे कब्जा करने के लिए आया ना, अब तुम लोग को मालूम हो जाएगा। इन लोग गाड़ दो गर्दन तक। 10 लोगों क्या किया, गड्ढा करके गर्दन तक गाड़ दिया। अभी ऊपर क्या है? सिर्फ मोड़ी है, सिर। इसके बाद बताया, मेरा मंगल हस्ती को बुलाओ। मंगल हस्ती मतलब राजा का हाथी, राजा का हाथी लंबा चौड़ा है ना, बहुत बड़ा। इधर का हाथी देखें तो इधर रास्ता पे आता जाता है मटका, उससे कम से कम 3 गुना बड़ा है राजा का हाथी। ये तो छोटा मोटा जात के हैं, ये नीच जात के हाथी हैं। वो हाथी लोग एकदम सद्धंत बलवान है। तो वो हाथी को बुला के आज्ञा दिलाया, ये 10 लोगों का मूडी एकदम चुरा दो हाथी का पैर से। पूरा मूडी एकदम क्या होना चाहिए? मसाला होना चाहिए। उसी प्रकार इन 10 लोग का मूडी बना दो। इंद्र जी अपना दोस्त लोग निमंत्रण किया, मेरे दोस्त अभी हम लोगों का बातें सुनने वाले कोई नहीं है, चिंता मत करो, हम लोग जो कुछ किया पुण्य किए हैं, इसलिए हम लोग को कोई दुख होने का कुछ कारण है ही नहीं है। इसलिए मेरे दोस्त आप लोग का मन में इसी राजा के ऊपर गुस्सा है तो तुरंत हटा दीजिए। कोई भी राजा पे गुस्सा मत करना, मैत्री करिए राजा पे, मैत्री करिए। हम लोगों के बारे में जो चुगली किया उन लोग को भी मैत्री करिए, आने वाले हाथी को भी मैत्री करिए। कभी किसी पर गुस्सा मत करिए। अभी कौन है इसका मुखिया? माघ इंद्र। अभी मुखिया का बात तो सभी लोग सुनना तो पड़ेगा, सभी लोग बताए जी जी मेरे दोस्त, हम लोग उसी प्रकार ही करेंगे। उन लोग मैत्री करने लगा। हाथी आ गया, आ करके पैर उठाया, उठा के माघ का सिर पर रखने के पहले हाथी फेंका गया, चिल्ला के भाग गया। फिर राजा ने बताया क्या, वापस कर दो। फिर हाथी को बुला के हाथी नजदीक आके इंद्र जी का चेहरा देखने के बाद फिर चिल्ला के भाग गया।
फिर हाथी को बुलाया, फिर इंद्र जी का चेहरा देखना, फिर हाथी चिल्ला के भाग गया। सोचा ये हाथी का कुछ बीमार है, दूसरा हाथी को बुलाओ। इसके बाद दूसरा तीन हाथी को बुला के ऐसे किया, तीन हाथी भाग गया चिल्ला के। इसके बाद राजा माघ के पास आया, ए लड़का बता दो तुम मंत्र बोलता है कि नहीं, तुम्हारा पास मंत्र है कि नहीं, बताए महाराज। जी मेरे पास मंत्र है। क्या तुम्हारा पास मंत्र है, बता दो क्या है तुम्हारे पास मंत्र। मेरा मंत्र का नाम है मैत्री। महाराज आप मेरा गला काट दिया तब भी आपके साथ हम दुश्मनी नहीं रखेंगे, हम मैत्री करेंगे। क्या तुम लोग मैत्री करते हो, तुम लोग मेरा राज्य को कब्जा करने के लिए प्लानिंग बना रहे हैं ना। नहीं महाराज, हम लोग दूसरे लोगों को सेवा कर रहे थे। पूरा कहानी बताए महाराज, हम लोग इतना सारा रास्ता बनाया, इतना सारा पुल बनाया, इतना सारा घर बना दिया, पेड़ पौधा गिन नहीं सकता है, उतना सारा पेड़ पौधा रोप दिया, इतना सारा हम लोग कुआं बना दिया, इतना सारा धर्मशाला बना दिया। महाराज हम लोग ये सब कुछ कर लिया दूसरों का कल्याण के लिए। महाराज एकदम वैसे हो गया, क्या जो चुगल खोर लोग को बुलाया सही बोल रहा है। जी महाराज ये सही है। महाराज माफी मांग लिया, उन लोग निकाल दिया, निकाल कर उन लोगों को पूरा व्यवस्था बना दिया। ठीक है बच्चे, मेरे तरफ से आप लोग जो कुछ करना है सारे चीज का खर्च हम दे देंगे। किसने बताया, महाराज बताया। अंत में महाराज इंद्र जी को अपना सेनापति जगह पे रख दिया, रख के बताया तुमको जो करना है कर लो, तुमको राज्य भी चाहे तो राज्य भी दे देंगे, तुम तो बहुत महान है, ऐसा करके बहुत पुण्य किया है। और इंद्र जी के पास सात गुण था, कितना गुण, सात गुण। ये सात गुण के साथ पुण्य करने के बाद ये माघ देवताओं का मुखिया बन गया। इसका मतलब देवताओं की जन्म अपने आप प्राप्त होता है, वो भी कोई कर्म के आधार पे होता है ना। देखिए ये सात गुण क्या है, आपको हम बताएं एक मिस्त्री जी के बारे में, बहुत पुण्य किया है। वो मिस्त्री जी को वर्तमान में माना जाता है एक नाम से, आप लोग जानते हैं, वो है विश्वकर्मा जी, सुने हैं, वो है माघ का मिस्त्री। क्योंकि वो सुंदर से घर बना दिया, उसी चमत्कार से, उसी पुण्य से विश्वकर्मा जी को ऐसा काम कर सकता है कभी किसी को सोच भी नहीं सकता, इसीलिए उनको विश्वकर्मा। विश्वकर्म मतलब नहीं विश्व के कर्म नहीं, आश्चर्य काम करने वाला, आश्चर्य काम करने वाला का नाम से उसको विश्वकर्मा माना जाता है, विश्वकर्म। तो ये सात गुण देखिए, पहला गुण है इंद्र जी का माघ का, मरने दम तक ये माघ अपना माँ पिताजी को सेवा किया है। कब तक, मरने दम तक माँ एवं पिताजी को पूरा प्यार किया, खान पान रहन सहन सारी व्यवस्था बना दिया। आजकल देखिए आप लोग का मम्मी पापा आप लोगों कहता होता पढ़ाई करो कहता है ना, पढ़ाई करो, लेकिन पढ़ाई से, पढ़ाई तो बहुत जरूरी है मगर पढ़ाई से इंसान सुधर जाता है क्या, नहीं सुधरता है। देखिए शायद आप लोगों का मम्मी पापा आप लोगों का दादा दादी को सेवा नहीं करता होगा, बहुत सारे घर पे ऐसा है ना, दादी दादा का नानी नाना का सेवा नहीं होता है, वैसा ही आप लोग भी बड़ा होने के बाद। लेकिन ज्ञान सुनने से समझ में आता है मरने दम तक क्या करना चाहिए, किनको,
अपना माँ एवं पिताजी को। ये किसका गुण था? माघ का, इंद्र जी का। दूसरा गुण है अपना मरने दम तक बड़े बूढ़े लोगों को, गुरु लोगों को आदर सत्कार सम्मान गौरव करता था। कौन? ये माघ इंद्र। मरने दम तक बड़े बूढ़े लोग को और गुरु लोगों को आदर सत्कार सम्मान गौरव करता था। इसका मतलब क्लास का टीचर लोग को गाली दे रहा था, क्लास का टीचर को मजाक उड़ा रहा था, अपना टीचर गुरु लोग से मजाक कर रहा था, या तो फिर टीचर गुरु लोग को उन लोग के साथ लड़ाई कर रहा था? नहीं। दूर से आना देखने के बाद अपना क्लास टीचर या गुरु तुरंत कुर्सी से खड़ा होता है, जमीन में बैठा है तो खड़ा होता है, जाके पैर चूता है, इज्जत सत्कार सम्मान। और अपना बड़े कोई मामू मौसी नानी नाना दादी दादा ऐसा अपने परिवार में कोई बड़े कोई आ रहा है तो कभी कुर्सी पर बैठ के हाँ नानी आ रहा है ऐसे नहीं रहता है, तुरंत खड़ा होता है, आ नानी आइए बैठिए। कभी माँ पिताजी जैसा, नानी नाना जैसा बड़े बड़े लोग नीचे बैठते समय वो कभी ऊपर बैठता था क्या? नहीं बैठता था, इज्जत कर रहा था, आते समय नमन कर रहा था। ये दूसरा गुण। तीसरा गुण है ये माघ हमेशा कठोर बात नहीं बोला, गाली गाली कठोर बात नहीं बोला, हमेशा प्यार से बात किया, प्रेम से बात किया, दूसरों के साथ बहुत लगाव से बात किया है, प्रेम से। आप लोग ऐसा बात करते हैं क्या? आप लोग गाली देते हैं? मेरे ख्याल से संडे स्कूल का बच्चा लो तो प्रेम से बात करना पड़ेगा, है ना? ये तीसरा गुण। चौथा गुण है ये माघ मरने दम तक कभी चुगली नहीं किया। चुगली मतलब दूसरों को लड़वाने के लिए और किसी के पास जा करके क्रोधी मन से चुगली करता है, ऐसा चुगली कभी नहीं किया। ये माघ ने क्या किया? देख लिया परिवार में परिवार में जो लोग अलग हो गया तो तुरंत वो लोग मिला आता है। माँ पिताजी बच्चा लोग से अलग हो गया तो कैसे तो दिमाग लगा के, शरीर से नहीं बुद्धि से काम करके उन दोनों को मिलाता है। आप लोग ऐसे करना चाहिए। आप लोग का घर में भी माँ पिताजी अलग हो गया तो दिमाग लगा के बुद्धि से कुछ करके दोनों मिलाना चाहिए। अगर कोई आपका क्लास में कोई बच्चा टीचर से नाराज है तो उसी बच्चा को बहुत 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 समझा के बुद्धि इस्तेमाल करके टीचर के ऊपर जो कुछ क्रोधी है वो क्या करना चाहिए? हटाना चाहिए। और अभी कितना गुण बताया? चार। पंचमा है ये इंद्र घर में रहते समय लोभी मन से नहीं रहा। अगर कोई भी कुछ मांग के आ गया तो देता है, बहुत कुछ नहीं दे पाता है फिर भी थोड़ा भी देता है, कभी लोभी नहीं है। आप लोग भी ऐसा है क्या? कोई कुछ मांग लिया तो लोभी रहता है, देता भी है वो भी नहीं, देता भी नहीं लोभी भी नहीं, तो दोनों क्या फर्क है? देना चाहे थोड़ा भी, ये माघ का एक गुण है। इसके बाद छठा गुण भगवान बुद्ध ने बताया, ये माघ मरने दम तक सिर्फ सत्य बोला है, झूठ बोल दिया है? झूठ बोला ही नहीं, सत्य ही बोल दिया। आजकल आपको स्कूल में कोई दंड मिलेगा तो तुरंत झूठ बोलता है बहुत सारे लोग, है ना? आप लोग मत बोलिए, शर्म की बात है। ध्यान करने वाले लोग झूठ बोलेगा तो कुछ
ध्यान करता है हिम्मत के लिए। ध्यान करते करते झूठ बोलेगा तो ध्यान करने का मतलब नहीं है। अभी कितना बताया? छह। सातवां है, ये इंद्र कभी क्रोध नहीं किया, गुस्सा नहीं किया। कभी कभी ये इंद्र अपना रहने के लिए जगह बनाता है, मम्मी पापा को घर बना दिया, दूसरा लोग आकर के घर कब्जा करता है। क्या करना पड़ेगा? इंद्र क्या करता है, उसी जगह छोड़ के दूसरा जगह अपना घर बनाता है। दूसरा जगह घर बनाने के बाद उसी जगह भी आकर कब्जा करता है। कब्जा करके उन लोग रहता है, हम लोग रहेंगे इसी घर पे। इंद्र बोलता है ठीक है आप लोग रहिए, तो और एक घर बनाता है मेहनत करके। अगर आप लोगों को ऐसे कुछ हो गया तो आप लोग तो बच्चे, आप लोग मम्मी पापा को ऐसे कुछ हो गया तो मम्मी पापा घर लूटने के लिए कोई आ गया तो कोर्ट में जाके केस करके लड़ाई करके तलवार उठा के गन उठा के तोप उठा के उठाने वाले सब कुछ उठा के रहता है, आओ एक बाल भी बचन नहीं दूंगा तेरे को। इसका मतलब वर्तमान के लोग माघ से ज्यादा कितना दूर है ना। लेकिन आप लोगों को माघ जैसा बन सकता है, इसका मतलब अपना घर दान देना है? नहीं, आप लोगों को इनमें से थोड़ा भी गुण अपना सकता है। क्रोध नहीं करिए, किसी को किसी के ऊपर गुस्सा मत करिए। पहला अब कितना गुण बताया? सात गुण। ये सात गुण किन के पास था? माघ यानी कि इंद्र जी के पास था। ये गुण के साथ इंद्र जी बन गया है। इसके बाद भगवान बुद्ध एक सुंदर गाथा बताए, ध्यान से सुनिए। अंत मादेन मगवा देवानं सिठतं गतो अपमादं पसंसन्ति पमादो गरहितो सदा। भगवान बुद्ध ने बताया निरंतर ये माघ ने पुण्य करके अप्रमाद होके देवताओं का मुखिया बन गया। उसी प्रकार बुद्धिमान लोग, ज्ञानी लोग हमेशा निरंतर पुण्य करके अप्रमाद होने के लिए कोशिश करते। अप्रमाद मतलब क्या है? दो शब्द आप लोग को आज हम बता देंगे, प्रमाद अप्रमाद। पहला क्या है? प्रमाद। क्या है प्रमाद? मतलब पाप। प्रमाद करता है मतलब पाप करता है। प्रमाद पाप करने वालों प्रमाद हो जाता है, यानी कि पाप में लटक जाता है। अप्रमाद मतलब पुण्य। आप लोग अप्रमाद होना चाहे या प्रमाद होना चाहे? अप्रमाद होना चाहिए, प्रमाद नहीं। ऐसे हो गया तो आप लोग को आराम से रह सकता है, बहुत पुण्य कर सकता है। इसीलिए आप लोग ये बात को ध्यान से याद रखिए। अब एक बात है, आप लोग बात नहीं करना चाहिए, बात करेगा तो प्रॉब्लम है। अच्छा हम एक बात बता देंगे, हम आपको कहते बात नहीं करने के लिए, ठीक है? फिर भी एक बच्चा कुछ काम पे बात करेंगे तो फिर और एक बच्चा और एक जगह से बात करेंगे तो फिर अंत में सिर्फ बात सुनाई देता है। इसलिए आप लोग दम शांत रहना चाहिए। जल्दी चाय लेके आइए।
आप लोग एक बार खड़ा हो जाइए। चिल्लाना नहीं, ये आश्रम में घर नहीं।